राधे राधे। हाय टू फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बैठी हूँ। यहाँ पर चार केला है, देख सकते हो। मैंने केला ले ली, अब इसको अच्छा तरह से छीलकर लंबे लंबे पीस में कट कर लेती हूँ। तो कट करने के बाद यहाँ पर पानी रखा हुआ है बट्टा में, इस पानी में डाल दूँगा। यहाँ पर मसाला मैं रेडी कर ली तो प्याज है, पीली सरसों है, अदरक है, हरा मिर्च है, लहसुन है, ये सबका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ये मसाला सब मिक्सी में डालकर मैं सबका पेस्ट बनाकर अच्छा से पूरा फाइन पीस लेती हूँ। यहाँ पर मेरा मसाला जो है रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने केला को कट कर आलू में पानी में डाल दी थी, तो देख सकते हो यहाँ पर पानी में है, तो इसमें से निकाल कर छान लेते हैं। इधर मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ इसको तलने के लिए। तो यहाँ पर बैटर तैयार करने के लिए बेसन है, नमक है, हल्दी है, ये सब का घोल बना लेती हूँ एक तलने के लिए। केला को ऐसा अच्छा से घोल बना ली, देख सकते हो उसमें मैंने केला को डालकर अब इसको जैसे पकोड़ा तलते हैं, केले का पकोड़ा हो गया, अब पकोड़ा भी खा सकते हैं इसको दाल चावल के साथ में। ऐसे सब्जी भी अब बना सकते हो, लगेगा मछली बन खा रही हूँ। इस तरह से एक एक कर सारे के सारे मैंने पकोड़ा को तल ली, केला पकौड़ा तल ली। इस तरह से सब्जी बनाकर एक बड़ा बनाकर खाना बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर फोरन के लिए तेजपत्ता और जीरा, साबुत जीरा मैंने डाल दी, फोरन पक गया। यहाँ पर थोड़ा सा प्याज मैंने पकने के लिए प्याज भी डाल दी, अब ये भी पक गया। जो मैंने मसाला उसमें मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा सा धनिया जीरा और थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर डाली थी, तो ये सब डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छा तरह से फाइन, खूब तेल जब छूटने लगेगा उसे खूब भूनना है। ये तो जो मैंने पीली सरसों डाली उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, तो ये मेरा मसाला भून चुका है, मैंने भून लिए। अब इसको ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल दी, अब ये इसमें खसाना है। जब ये उबाल आ जाए जैसे मछली बनाते हो तो कॉफी ऐसा ही बनता है। ये उबाल आ गया, इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी मैंने डाली थी, तो ये आप पास में हो कस्तूरी मेथी तो वो डाल देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये इसमें डालकर दो चार मिनट तक इसको पकाना है, ढककर नहीं पकाना है, नहीं तो केला में का जो बेसन है वो निकल जाएगा, अब फिर अच्छा नहीं लगा, सिंपल सिंपल लगा। तो उसको ऐसे ही पकाना है थोड़ा देर, तीन चार मिनट करीब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गैस बंद कर दी, मेरा सब्जी बनकर रेडी हो गया। तो आई होप आप लोग को कितना देखने में कितना अच्छा लगता होगा, खाइएगा तो उतना ही टेस्ट लगता। मैं कहती हूँ एक बार आप ट्राई करना, लगेगा कि मैं मछली खा रही हूँ, टू कॉपी मछली लगेगा एकदम मछली। नए तरीके से रेसिपी मैंने स्टार्ट कर ली, बनाई हूँ इस तरह केला का सब्जी। तो थोड़ा ठंडे होने के बाद मैं दिखा रही हूँ कितना मतलब अच्छा लग रहा है। मैं इसको पतीले में निकाल लेती हूँ, इस पतीला में। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कैसा बना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप। बाय फ्रेंड्स।